बखार जिनकी वजह ता जा मैं एक नेक इंसान बने, अरे जिनने करनी सिखाई मारती सही और गलत की पहचान, आज देश के उन सारे गुरुजना ने मेरा सत सत प्रणाम। केरे मखा भगवान का भी भगवान बनन खातर एक गुरु का ज्ञान काम आया था, केरे मखा भगवान का भी भगवान बनन खातर एक गुरु का ज्ञान काम आया था, और माँ ने तो आंगली पकड़ के कह दिया था चाल, पर चालना कित है यो एक गुरु ने बताया था। अब हिंदी में सुनना कि मुझे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए आप सबका धन्यवाद, मुझे सही और गलत की पहचान कराने के लिए आप सबका धन्यवाद, कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सबका धन्यवाद, मेरी हर कामयाबी पर मुझे रिवॉर्ड देने के लिए आप सबका धन्यवाद, और मेरी छोटी से छोटी खुशी में भी शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। न जाने कैसे मैं आपका यह कर्ज चुका पाऊंगी, और चाहकर भी मैं कभी ना आपको भूल पाऊंगी, और एक दिन छू लूँगी मैं आसमां भी, कि अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद से छू लूँगी मैं एक दिन आसमां भी, लेकिन फिर भी आपके कदमों को ही मैं अपना जहान बताऊँगी, आपके कदमों को ही अपना जहान बताऊँगी। और ये मेरे टीचर्स पे हैं कि मेरे स्कूल वाले टीचर्स हो या मेरे महम वाले स्पेशल टीचर्स, मेरे रोहतक वाले टीचर्स हो या मेरे सिरतार वाले टीचर्स, इन सभी ने मेरा हर कदम पर साथ निभाया है, और एक बात बताऊं, इन सभी टीचर्स ने मुझ पर हमेशा मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपना हक जताया है। मखारे अपनी जिंदगी गिरवी दर के भी कदे चुका नहीं सकते इनका कर्जा, मखारे अपनी जिंदगी गिरवी दर के भी कदे चुका नहीं सकते इनका कर्जा, और भगवान तभी बढ़ के होया करे जिंदगी में एक गुरु का दर्जा। ये एक आखिरी सुनेगा कि मखाराज देर रात ना हाथ में कलम उठाई है, सोचा अपने गुरु जना पे कुछ बेस्ट ते बेस्ट और बढ़िया लिखूंगी, और जय मैं अपने गुरु आप कुछ लिख ना पाई तो मेरे जैसे विद्यार्थी की कोई सौगात को न्या, और मेरे फिर बाद में याद आया कि गुरु तो भगवान का ही दूसरा रूप है, और मैं भगवान पर कुछ लिख दूँ ना ना मेरी तनी व्योकात को न्या।